भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से निकली है राहुल गांधी जी की सदारत में, और अभी तक जितने भी स्टेट आए, चाहे केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और अब हरियाणा में चल रही है तो सुबह वो पंजाब में पहुंच जाएगी। तो पंजाब में 10 दिन चलने के बाद 20 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का जो फर्स्ट इवेंट होगा, जो फ्लैग टेकिंग सेरेमनी होगा, वो लखनपुर में होगा। और लखनपुर में बहुत बड़ा इवेंट होगा और उसमें पंजाब वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा जो है हमारे लोगों के सुपुर्द करेंगे, और हम लोग लखनपुर से लेके पूरा श्रीनगर तक राहुल जी के साथ चलेंगे, पैदल चलेंगे। चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धुंध हो, कितना भी बर्फबारी हो, भारत जोड़ो यात्रा पूरा अपना लक्ष्य जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने फिक्स किया है वो पूरा इंशाल्लाह लक्ष्य तक पहुंचेगी। और कश्मीर में बहुत बड़ा इवेंट होगा, फ्लैग सेरेमनी होगी, और राहुल जी और दूसरे जो हमारे खड़गे साहब, प्रियंका जी और जो भी साथी आएंगे वहां पे, सीनियर साथी, वहां पे एक नेशनल इवेंट हो रहा है। तो आप सभी प्रेस वालों को भी दावत है कि उसकी पूरी कवरेज करने के लिए आप आइए। कांग्रेस पार्टी आपको जितना सहायता कर सकती है उतना हम करेंगे। और दूसरा ये है कि भारत जोड़ो का जो असली मकसद है वो ये है कि जो राहुल जी निकले थे 7 सितंबर को कन्याकुमारी से, उसका ये था कि एक तो मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, जिसमें हमारी स्टेट हरियाणा के बाद नंबर 2 पे है। इस वक्त यहाँ भी 34% की बेरोजगारी है और बहुत ज्यादा लोग परेशान है। अगर नौकरियां कभी निकली भी तो उनमें से कैंडल निकले, तो एक तो वो लक्ष्य है बेरोजगारों के लिए लड़ना, उनको रोजगार दिलाना। दूसरा जो लक्ष्य है भारत जोड़ो यात्रा का वो ये है कि आम आदमी जो है महंगाई से परेशान है। तो ये जो मोदी जी का 8 साल का सेशन रहा, उस शासन में उसी को ट्रेनें दी जा रही है। अगर किसान हिंदू मुसलमान की नफरत इतनी फैलाई गई और उसी नाम पे वोट मांगे गए और उसी नाम पे इलेक्शनों को ऐसे बनाया गया, जब भी इलेक्शन होता है तो पोलराइजेशन और लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही भाजपा की जो दुकान है वो चल रही है, आरएसएस की दुकान चल रही है। तो उसको मिटाने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए, मुल्क में भाईचारा जो है उसको दोबारा नाफिज करने के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं। और तीसरा, मैं कभी कभी हम मुखालफत भी करते हैं तो कभी हम तारीफ भी करते हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। हम 2 बार डेप्यूटेशन लेके उनके पास गए, हमारे साथ पहली डेप्यूटेशन में केसी वेणुगोपाल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंबर पार्लियामेंट भी है और एक्स मिनिस्टर यूनियन भी है, तो उनकी सदारत में हमें हमारी एक डेलीगेशन मिला एलजी साहब से, और एलजी साहब को जो हमने राहुल जी की यात्रा के लिए परमिशन और डिस्कशन किया कि कहां कहां से यात्रा चलेगी, कहां रुकेगी, तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि हम आपको पूरा फुली पॉसिबल हर मामले में परमिशन भी देंगे, मदद भी करेंगे। दूसरी बार भी हम जब सुबाट आइडेंटिफिकेशन और दूसरा यात्रा का जो भी डिस्कस करना था, रजनी पाटिल जी हमारी इंचार्ज हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, जम्मू कश्मीर की इंचार्ज हैं, उसकी सदारत में हम चले गए, तो उस वक्त भी मनोज सिन्हा जी ने हमको पूरे गौर से सुना और उसी वक्त ऑर्डर्स पेश पास किए, चाहे वो ड्यूकॉम जम्मू हो, ड्यूकॉम कश्मीर हो, आईजी जम्मू हो, आईजी कश्मीर हो, सिक्योरिटी का, परमिशंस का, रोड में चलने का, इवेंट्स का, ये सारा डिस्कस हुआ। तो हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा जब तक खत्म होगी तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में चली है, नीचे साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक अब आ रही है, तो उसमें जितना सहयोग मिला है बाकी जगहों पे, तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट हमें यहां भी पूरा सहयोग करेगी, ताकि पूरा अमन तरीके से एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, मुल्क को यूनाइट करने का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको पूरा पाए तकमील तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगी।
तो यही आज मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, से भी, नौजवानों से भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी, एनजीओ से भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी, कि आप जोग दर जोग भारत जोड़ो यात्रा में आए ताकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल हो और मुल्क की जो इस वक्त परेशानियां हैं जो राहुल जी ने इस वक्त बेड़ा उठाया है वो मसले हल हों। एक और हम इसमें डिमांड जो है लखनपुर से यहां जोड़ रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा छीन के यूटी बनाया गया और जो तीन डिमांडें राहुल जी की है, नौजवानों को रोजगार, महंगाई और नफरत, जो भारत जोड़ो का जो लक्ष्य है उसके बगैर भी एक डिमांड हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली स्टेटहुड दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन यहां पे किए।